हाँ भाई रेडी। हाँ भाई रेडी। चलो ये क्यों फंस गया, कहाँ लेके जा रहा है तू बता भाई, तू ले जा रहा है, मैं तो आया हूँ। चलो फिर अटलांटिक सिटी चलते हैं। हाँ, मेरा भी रख दे भाई बैग। गाड़ी चला सकते हैं क्या? गाड़ी चला सकते हैं मतलब? मेरे को चलाने लगा है। हाँ हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस है ना इंडिया का? इंडिया वाला चल जाएगा वो, बिल्कुल दौड़ेगा। और ठोक दूँ तो? वो नहीं चलेगा। हाँ जी, क्या हाल चाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले आई एम सॉरी, बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, खुशी आप देख सकते हो चेहरे पे। और मैंने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, बंसल आया हुआ है दिल्ली से और इसको घुमा रहे हैं, कल भी घुमाया था। मैं आप सबको बताऊंगा, कल थके हुए थे थोड़ा, कल थके हुए थे, तो आज हम जा रहे हैं अटलांटिक सिटी, थोड़ा सा खेलेंगे, थोड़ा सा मज़ा करेंगे, बीच पे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। बट आप सबको मैं बताऊंगा कि मैंने इतने टाइम से व्लॉग क्यों नहीं बनाया। कुछ पर्सनली मैंने अपने लिए एस्पिरेशंस रखे हुए थे और बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हो गया था, बट अब आई प्रॉमिस कि मैं महीने में 4-5 व्लॉग्स डालूंगा। मैं किसी एडिटर का भी सपोर्ट ले रहा हूँ, उसका भी नाम आपको बताऊँगा। एंड फिलहाल अभी चलते हैं, मेरी वोल्वो का भी व्लॉग ड्यू है। माता रानी का नाम लो, वाहेगुरु जी का नाम लो, चलो। सबसे सस्ता पेट्रोल और सबसे अच्छा पेट्रोल यहीं मिलेगा। क्यों? और ये मेरे घर के 2 मिनट दूर है, इसलिए बेस्ट है। तेरे घर के पास तो कॉस्को पूरा ही है। हाँ, आज सुबह तू भी तो गया था पैदल चल के कॉस्को। शुक्र है तू आ गया था लेने भाई। हाँ यार, यहाँ तो बहुत टाइम लगेगा कहीं और भरवा लें। हाँ यार, लाइन्स होती है ना, इतनी नहीं होती, आज संडे है इसलिए इतनी लाइन्स हैं। वापस ले लेता हूँ। ले ले भाई, कहीं और से लगा। चल कोई नहीं। अच्छा आप सबको एक चीज़ बताता हूँ, कार का तो व्लॉग बना लूँगा, बट हुआ क्या, मेरे को लेनी थी ऑडी क्योंकि ऑडी में काम करता हूँ, बट मुझे लेना था टॉप वेरिएंट क्योंकि मुझे हेड्स अप डिस्प्ले बड़ा पसंद है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो थोड़ी आउट ऑफ बजट जा रही थी डिस्काउंट मिलने के बाद भी। फिर मैंने वोल्वो ही ले ली, बट इसकी जो HP है वो है 291 HP। फिर ऑडी की थी 331। फिर मैंने वोल्वो में थोड़ा जुगाड़ लगाया, जिस बंदे से बात की थी, इनका एक आता है पोलस्टार चिप, तो मैंने वो पोलस्टार चिप अपग्रेड कर लिया है, जिससे मेरी गाड़ी की HP पहुंच गई है 341 HP, जो ऑडी से ज़्यादा है, इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ, बाकी बाद में बताऊँगा। और आपको ये भी बताता हूँ, जर्सी में बेसिकली लॉ है कि आप खुद नहीं भर सकते गैस स्टेशन पे, और आपको न्यूयॉर्क में खुद भरना पड़ता है। तो मैं ऐसे सोचता था हर जगह भरना पड़ता है, यहाँ पे नहीं, जर्सी में नहीं भरना पड़ता। ये तो आराम है, ऐसे भी लोग कंप्लेन करते रहते हैं। भर रहा है वो, देखो। जब मैं जर्सी आया न्यूयॉर्क से, घर देख रहा था, तो जैसे जर्सी एंटर किया, गैस ख़त्म थी गाड़ी में, अभी भी निकलता पेट्रोल ही है, गैस निकलता नहीं। तो मैं जैसे आया, उतरा, कोई था नहीं, मैं उतर के अपना भरने लग गया, और वो बंदा पैनिक कर गया, व्हाट आर यू डूइंग। मेरे को लगा भाई पता नहीं मैंने क्या कर दिया, कार्ड भी लगाया है, सब कुछ किया है, कुछ चोर चक्की तो कर नहीं रहा। फिर उसने बोला इट्स द लॉ, यू कैन नॉट गेट इन द कार। पूरे न्यू जर्सी में यही है? पूरे न्यू जर्सी में यही है, तो ये लॉ है, बड़ा ध्यान रखना जब भी कोई जर्सी घूमने आए। बट सही है यार, थोड़ा मिल जाता है। बट मेरा ऑडी जब मैं अपने भरवाने जाता हूँ गैस, क्योंकि ऑब्वियसली जब गाड़ियाँ बेचता हूँ तो वहाँ पे अब जान पहचान हो गई है, वो बहुत टाइम लगाते हैं, खुद उतरो, कार्ड डालो, मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ड्राइवर गाड़ी दोनों है। गुड यार, इंडिया का यही सुख है भाई। अभी आजकल कौन सी गाड़ी चला रहे थे? मैं सी क्लास। अब कौन सी लेने का प्लान है जो हम कल डिस्कस कर रहे हैं? अभी मत बोल, बीवी घर जाके मारेगी। ये भी बात सही है, तो वो सरप्राइज रखते हैं, बट बताएंगे थोड़ी। बहुत सारी बीप वाली भगचौदी होगी। हाँ, बट कोशिश करूंगा जितना डाल सकता हूँ डाल दूंगा। हाँ भाई, मुझे ये बता। हाँ भाई, अगर मुझे इंडिया से न्यू जर्सी मूव करना हो, हाँ, तो क्या सोचना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे बता हाउसिंग कहाँ लूँ। यार न्यू जर्सी बहुत ही बड़ा है, और डिपेंड करता है, अगर तू पूरी फैमिली के साथ मूव हो रहा है। मेरी एक बीवी है और 8 साल का बेटा है। हाँ, तो 8 साल के बेटे के लिए देखो स्कूलिंग डिस्ट्रिक्ट अच्छी चाहिए। क्यों? स्कूलिंग डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? स्कूलिंग डिस्ट्रिक्ट जहाँ आप रहते हो ना सिटी में, और जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उन्हीं स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स में भेज सकते हो। अच्छा, यू स्टिल हैव एन ऑप्शन। तो पब्लिक स्कूल में क्यों भेजो? मैं तो इंडिया में तो प्राइवेट स्कूल में भेजता हूँ। यहाँ पे फ्री है क्योंकि। ओह अच्छा, बहुत मिनिमल कोई कॉस्ट होती है, वो अच्छा, देना अच्छा, पड़ता है, अदरवाइज प्राइवेट स्कूल्स बहुत महंगे हैं। ठीक है, मतलब $2,000-3,000 महीना। मतलब स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री है? एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, पर एजुकेशन कुछ तो खर्चा होता होगा यार। नॉर्मल स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, खाने पीने का खर्चा, अगर आपको लंच देना है, वो सब नॉर्मल चलता है। मतलब जो बुक्स वुक्स लेनी है, स्टेशनरी लेनी है, ये सब अपना खर्चा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मतलब ट्यूशन फीस नहीं है बेसिकली। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन फीस है, प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, बट वो जो बहुत ही वेल्दी लोग हैं यहाँ पे, वो सब जाते हैं वहाँ पे। अच्छा,
और सेकंड फंडा ये है कि उसमें भी आपको ये देखना पड़ता है, कोई कोई बहुत कॉम्पिटेटिव होते हैं तो जहाँ ज्यादा एशियंस है ना वहाँ की नॉर्मली स्कूलिंग डिस्ट्रिक्ट बेटर होगी, बहुत बेटर है। अच्छा, एशियन में मतलब चाइनीज लोग, एशियन है और जहाँ देसी है, देसी मैथ्स की वजह से, क्या मतलब हर चीज की वजह से यार, क्योंकि कॉम्पिटेटिव लोग जितने भी देसी लोग हैं पता ही है, देसी थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट ज्यादा होते हैं, टीचर्स थोड़ी उसके हिसाब से इंप्रूव है, टीचर्स भी उसी हिसाब से स्मार्ट होते हैं, बेटर होते हैं इस एरिया के डेफिनेटली। अच्छा, क्योंकि अगर अच्छा स्कूल होगा उसमें, और एक स्कूल्स की वेबसाइट है greatschools.com करके, उस पे आप जाके देख सकते हो कि कौन सा स्कूल है, एकेडमिक में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, सब कुछ सारी डिटेल। तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट इसलिए ताकि पास में जा सके स्कूल, मतलब बस आ सके, स्कूल बस आती होगी ना, मतलब उस हिसाब से आप देख सकते हो। अच्छा, तो वो हो गया, और उसमें भी बहुत सारे एडजस्ट कर जाते हैं आराम से यहाँ पे। यार देख, थोड़ा टाइम तो कोई भी नई जगह पे जाए, तू भी यहाँ आएगा, तू मतलब अगर इंग्लिश स्पीकिंग किड हो और आराम से कंफर्टेबल हो, फिर तो बिल्कुल समझ सकता हो, एक्सेंट तो कंफर्टेबल है। एक्सेंट इतना नहीं होता क्योंकि इतने देसी हैं, तो देशियों का एक्सेंट भी जैसे हम इंडिया में बात करते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है, तो उसकी टेंशन नहीं। और है बच्चों के लिए डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कंफर्टेबल है। चल ठीक है, तो न्यूयॉर्क में फिर भी थोड़ी बहुत मिलेगी, जर्सी में नहीं है ज्यादा क्योंकि जर्सी देशों से भरा पड़ा है। और उसके बाद हाउसिंग कितने की पड़ेगी यहाँ पे? क्या हाउसिंग, ये थे जहाँ मैं रहता हूँ, मैं पहले न्यूयॉर्क में था, न्यूयॉर्क में मैं एक बेडरूम जहाँ तू आया था उसके देता था, वो तो बहुत छोटा सा 33 BHK था, वो तो स्टूडियो टाइप था, स्टूडियो टाइप, $3,300 देता था प्लस $150 पार्किंग, $3,300 हो गया तेरा 2.5 लाख रुपए के आसपास, एक महीने के, ठीक है, और $150 पार्किंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, मेरा बढ़ गया है प्लीज, 3 बेडरूम के, 3 BHK, घर तो बहुत बड़ा है वाला, डबल स्पेस है, और मैं दे रहा हूँ 30-50 फॉर अ 3 बेडरूम, फिर 280-290 के आसपास, ठीक है। और पार्किंग बेस्ट है, अच्छा, $5 महीना, मतलब विद इन 10 मिनट्स ऑफ योर रीच सब कुछ है, तो ये सेकंड चीज बहुत जरूरी है देखने के लिए कि कनेक्टिविटी कैसी है, सारा है कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी, और ये सब भी देखते हो कि आसपास कितने इंडियंस हैं, कितने वो हैं फैमिली में, बहुत लोग हैं जब वो यहाँ आते हैं वो प्रेफर करते हैं कि देशियों के आसपास रहें, क्योंकि आराम से एडजस्ट हो जाते हो, फैमिली एडजस्ट हो जाते हैं, दोस्त बनते हैं। बट मैं अब आई एम आउट इन द मार्केट, मैं भी घर देख रहा हूँ लेने के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो मैं भी स्कूलिंग डिस्ट्रिक्ट मेरे लिए भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बट मैं इतनी भी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहता जहाँ देसी भरे पड़े, समझ गए, मतलब मेरे को चाहिए मिक्स और डाइवर्सिटी, तो मिक्स तो जरूरी है, वरना फिर फायदा क्या हुआ यहाँ के, लोगों से वो भी नहीं मिल सको, ठीक है। सो वो देखना है, फिर थर्ड चीज है तेरी कि आसपास हम देसियों को ग्रोसरी चाहिए, इंडियन ग्रोसरी, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर होना जरूरी है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर होना, स्पाइसेस वगैरह लेने के, एग्जैक्टली, ठीक है। स्कूलिंग हो गया, रहना हो गया, ये हो गया, अब कार का बता, कार बहुत सस्ती है भाई यहाँ, हाँ मतलब मैं उसे आजकल बहुत महंगा हुआ हुआ है इंटरेस्ट रेट्स की वजह से, बट एज कम्पेयर टू इंडिया जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, तेरी गाड़ी वो क्योंकि 1.5 करोड़ की थी, तू कितना तू चला रहा है, XC90 उसपे भी मुझे $5,000 का डिस्काउंट मिल गया था, मैंने ले लिया था, जानता था किसी से, और 5,000 जो मैंने पुरानी गाड़ी ट्रेड इन करी, मतलब ट्रेड इन मतलब यहाँ पे बड़ा फेमस है कि आप अपनी गाड़ी दो, वो आपसे खरीद लेते हैं, अच्छा, कि आप खुद भी खरीद सकते हो, लीज कराई, बट उन्होंने मेरे से ले ली, मेरे को 5,000 ज्यादा दे दी मेरी गाड़ी, तो बेसिकली मुझे 10,000 सस्ती पड़ गई, तो मेरे को पड़ी। गाड़ियाँ रखनी चाहिए यहाँ, लोकल ट्रांसपोर्ट से काम नहीं चलता न्यू जर्सी में? न्यू जर्सी में विदाउट कार इज नॉट पॉसिबल, ओके, एक्चुअली एनीवेयर, अगर आप मैनहट्टन में रह रहे हो न्यूयॉर्क में, तो आपको ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए, अदरवाइज आपको गाड़ी चाहिए ही चाहिए। मैनहट्टन में तो गाड़ी रखनी बड़ी एक्सपेंसिव है, वहां पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव है, पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव है, पर न्यू जर्सी में गाड़ी चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई भी रख लो, चाहे कोई भी रख लो, अच्छा ठीक है। और $2,000-3,000 की भी गाड़ी मिल जाती है अगर कोई पुरानी होंडा टाइप्स कुछ नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई टेंशन नहीं है, बट बेस्ट होता है लीज कराना। और अगर किसी को ऑडी चाहिए और आपके रिश्तेदार ऑडी या कोई भी गाड़ी ढूंढ रहे हैं, एक बार मेरे पास भेज के अपना ऐड कर लियो बीच में, बहुत अच्छा इंसेंटिव दे रहा हूं यार मैं, सीरियसली बहुत ऑडीज बेची है मैंने। तू कहां, तू ऑडी में काम कर रहा है? ऑडी प्रिंसटन में काम कर रहा हूं, बट बहुत अच्छे ऑफर्स हैं अभी, किसी के जेन्युइनली बता रहा हूं कि ये ठीक है भाई, किसी के न्यू जर्सी न्यूयॉर्क इस एरिया में हो कोई जिसको गाड़ी चाहिए, तो भाई के पास आ जाना, बिल्कुल मेरे पास नहीं, इस भाई के पास,
और बता और क्या? नहीं कार हो गई, ये हो गया, बाकी उसके अलावा बिजली पानी ये सब वो एक्स्ट्रा है? बिजली पानी एक्स्ट्रा है, बिजली नॉर्मली गर्मियों में थोड़ी ज्यादा, सर्दियों में भी वैसे हीटिंग चाहिए होती है, बट सही है यार, मतलब बट इसके अलावा तो फिर कोई खर्चा नहीं होगा ना, गाड़ी हो गई, स्कूलिंग हो गया, रहना हो गया, खाना पीना हो गया, यहाँ मतलब यहाँ अगर अगर जैसे हस्बैंड वाइफ रह रहे हो और एक किड हो, या चल किड ना हो अगर हस्बैंड वाइफ हो, तो कितना सैलरी सही है कि जिसमें आप अच्छी लाइफ और लग्जरी लाइफ, मतलब मिडिल क्लास से अबव मिडिल क्लास लाइफ, बिकॉज इंडिया से लोग यहाँ अबव मिडिल क्लास लाइफ के लिए आते हैं यार, देखो तो, अगर सिर्फ एक बंदा कमा रहा है फैमिली, हाँ, तो 200,000 मिनिमम होनी चाहिए। अच्छा, बट उसमें बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी ना, 200,000 उसमें बहुत अच्छी लाइफ, मतलब मतलब बच्चा भी पल जाएगा, वॉल्वो रख ली, सब कुछ रख लिया, घूम फिर भी लिया साल में, ठीक है। और अगर बीवी और तुम दोनों काम कर रहे हो तो 150-150 या एक की 150 एक की 100, अच्छा बेसिकली 200 तक होना चाहिए, 200 से ऊपर तो मतलब सब कुछ अच्छा, काफी कंफर्टेबल लाइफ है, बट सर्वाइवेबल 150 में भी हो जाती होगी ओवरऑल। यार देख अब मेरे को क्योंकि बस वैसे ही मुझे अच्छी जगह पे रहने का पसंद है, ठीक है, तो बहुत लोग अब मेरा ही तो बहुत लग्जरी लाइफ में जीता है ना, हम तो उन लोगों को गाइड कर रहे हैं कि जो जिन लोग लग्जरी नहीं वाला ओके लाइफ भी जीना चाहे, तो मतलब अगर अगर 150 में कर रहे हो तो ठीक है ओके लाइफ होगी, 200 के होगा तो कंफर्टेबल है, और रिच लाइफ 250 से ऊपर रिच लाइफ शुरू हो जाती है, 150 में भी बहुत अच्छी लाइफ है, टोटल इनकम। अगर मैं यहाँ से जर्सी सिटी चला गया, मैंने 3 बेडरूम ले लिया कोई जर्सी सिटी में या 2 बेडरूम ले लिया, 1500 का मिल रहा है। अच्छा, और अगर घर खरीदना हो आधा हो गया, घर खरीदना हो तो घर खरीदना हो तो आजकल तो इंटरेस्ट रेट बहुत खराब है। अच्छा, ठीक है, बट मैं भी जो देख रहा हूँ मेरा बजट 500 के आसपास है, क्योंकि मेरे को ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना, 500 के मतलब 4 करोड़ रुपए, हाँ उतने के आसपास, वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाता है, और मतलब 4 करोड़ में यहाँ अच्छा घर मिल जाता है, हाँ अच्छा 3 बेडरूम जर्सी में बहुत अच्छी जगह पे, जहाँ पे स्कूलिंग डिस्ट्रिक्ट बेस्ट है, जैसे प्रिंसटन, मॉन्टगोमरी, वेस्टमिंस्टर, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ 500 में मिलेगा 2 बेडरूम 2 बाथरूम। इसके अलावा तो नहीं मुझे कुछ पूछना, बट हाँ इंडिया कितना आते जाते हो तुम लोग? जैसे इंडिया यार पहले तो मैं आप सबको पता है कि साल में 2-3 बार आ रहा था, अभी नहीं आ पा रहा मैं, बट कब आया था मैं लास्ट? आया था अप्रैल में आया था यार, तुम्हें को 1.5 साल होने वाला है, साल में एक बार तो लोग चले जाते हैं वापस, हाँ साल में एक बार चले जाते हैं, और अभी मैं भी आ रहा हूँ इंडिया जनवरी में अपना वीजा स्टैंपिंग के लिए, तो किसी ने आना हो न्यू जर्सी थोड़ा अपनी तरफ कर ले। अच्छा ठीक है यार, कोई बात नहीं, तो यार आप मेरे को कॉन्टैक्ट, मैं कौन सा ब्लॉगर हूँ, मैं तो गेस्ट हूँ, जितना हेल्प मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से कर दूंगा। मैं तो अपने कस्टमर्स को भी, बहुत लोग आते हैं जो अभी अभी जैसे मूव हुए हो, और उनको बहुत लोग यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं देते हैं, अच्छा, बट मैं उनको फॉरेन बिजनेस प्रोफेशनल करके अप्रूव भी करा देता हूँ, और उनको आगे भी बोलता हूँ कि यार अगर गाड़ी नहीं ली मेरे से तो भी चलेगा, अगर कोई वैसे ही हेल्प चाहिए, अगर कोई देसी हो स्पेसिफिकली, तो हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है तेरा भाई। चल ठीक है, और हमारा टाइम रह गया है 1 घंटा 8 मिनट, काफी लंबा हो चुका है, रास्ते में रुक के बर्गर वर्गर खा लेंगे, हमने भाई भूख लग रही है मेरे को, तूने 3 बॉइल्ड एग खाए, मैंने 2 हाफ फ्राई बनाए थे, सुबह का तो हो गया था, बट अभी भूख लग रही है, कहीं पे रास्ता लेके कुछ ले लेते हैं। बट अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अटलांटिक सिटी, और मैंने अपने एक दोस्त को बोला था कि डिस्काउंट में होटल करा दे, उसका तो अभी तक जवाब नहीं आया, और वो वीडियो देख के कहेगा कि कैसा रहे नहीं नहीं बहुत अच्छा दोस्त है, आप सारे जानते हो यार गौरव, उसके साथ मैंने बहुत ब्लॉग्स बनाए हैं यहाँ पे, हाँ बहुत अच्छा, मेरे को याद नहीं, मैं एयरपोर्ट से आया तो मैंने स्काई ट्रेन ली, स्काई ट्रेन से जमैका स्टेशन गया, वहाँ से मैंने लॉन्ग आयरन रेल ली, वहाँ से मैं आया न्यू इधर पेन स्टेशन, वहाँ से मैंने न्यू जर्सी ट्रांजिट ली तेरे इधर आने के लिए प्रिंसटन जंक्शन पे, और फिर तू टैक्सी लेके मेरे शोरूम आ रहा था, मैंने तेरे को पिक कर तूने, ठीक है मान लिया, मानता है 5 मिनट का एक्स्ट्रा ट्रिप था, बट जल्दी निकल गया मैं और गाड़ी भी बेच सकता था मैं, तो तू मेरे को 1000 डॉलर दे, अभी देता हूं कल से हिसाब कर लेंगे, अभी पिछले 2-4 हिसाब रह गए वो कर लेंगे, पहले छोड़ना है यार, क्या रखा है हिसाब, सही है, बहुत टाइम से मैकडॉनल्ड्स में कुछ खाया नहीं है यहां, पर यहां सही है ना, एक एग्जिट लो साइड में, हाईवे से साइड में घुस जाओ और वहां से, बट वहाँ भी वहाँ ज़्यादा सही है, वहाँ ढाबे पे रुको साइड में 1 सेकंड में बदल जाओ यहाँ चक्कर है, यहाँ तो घुमाए रहे आ रहा है, 3 एग्जिट लेके तूने गोल गोल घुमा दिया मुझे, हाँ भाई वो गलत है, ये राइट वाली खाली है, नहीं ये वाला ना, हाँ बस क्या लेगा भाई, मैं लूँगा फिलो फिश और मैक चिकन होता है। तो जी पहुंच गए हैं अटलांटिक सिटी, लोग जेट स्की पे मजे कर रहे हैं, और हमको हमने कराया है ओशन होटल, बट मेरे फ्रेंड ने बोला था हार्ड रॉक कराने के लिए, वो सोल्ड आउट है, सीजर्स मिल रहा था, बट एक बेलीज भी था, पता नहीं कैसा होटल है, बट है स्ट्रिप पे, वो उसका फ़ायदा है, ओशन भी स्ट्रिप पे है, और हमें कितने का मिला है यार रूम आज? ओशन 150 डॉलर का रूम मिला है, विच इज़ फाइन। हार्ड रॉक वेयर एज अगर मिलता तो वो मिलता $300 का रूम, तो ओशन होटल कराया है, सीजर्स था $200 का, बट ये 3 होटल्स बहुत अच्छे हैं,
जाके देखते हैं इसका, खेलेंगे कहाँ पे थोड़ा बहुत मजे के लिए अपना, वो भी देखते हैं। बस यहाँ पहुंचे थे, पार्किंग करते ही पता चला कि दारू भूल गए यार, बड़ा ही दुखी हो गया हूँ मैं एकदम से। बट यहाँ पे है आसपास दुकान एक दो मिनट, बट प्रॉब्लम यह है यहाँ महंगी मिलेगी काफी। कोई बात नहीं, अब तो हो गया, सो वापस दो घंटे जाने से तो अच्छा है। तो अब सबसे पहले हम जाके चेक इन करेंगे, उसके बाद हम लेंगे दारू। पहले कसिनो में जीत लेते हैं फिर उससे दारू लेंगे, ये भी आइडिया बुरा है। और हार गए तो पानी, हार गए तो छोड़ेंगे, सोडा पी के घर पे बड़ी। चलो जी पहुंच गए, दिखाते हैं आपको होटल और फिर दिखाते हैं होटल रूम, फिर थोड़ी मस्ती करते हैं। बीच के लिए ठंड हो गई भाई, बीच भी चलेंगे। अबे क्या ठंड होगी, यहाँ का ठंड है, बीच चलेंगे। तो जी आ गए हैं ओशन होटल में, हमें मिला है सिटी व्यू, थोड़ा सा ओशन भी दिख रहा है। वैसे रूम तो अच्छा खासा है यार, मतलब अगर आप मेरे से पूछो तो सीजर पैलेस से तो बहुत ही बेटर है, उनके न्यूली रेनोवेटेड रूम्स आर बेटर, बट जो उनके नॉर्मल रूम्स हैं वो बहुत ही बकवास हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल मत रुकना। और ये हमारे बंसल साहब आते ही बैठ गए लेट गए हैं, हमारे पास टाइम है नहीं, डिस्टर्ब मत कर दो, कल सुबह हमने नो पेपर्स। ये जी सिटी व्यू देख लो कितना सुंदर है, और ओशन दिख रहा है। वैसे तो एक बंदा बड़ा स्वीट सा मिला हमें, बांग्लादेश से था, उसका नाम ज्योत्ना कुछ ऐसा कुछ नाम था उसका। तो उसने बोला मैं आपको दे रहा हूँ, चाबी दे रहा हूँ, अभी दूसरा वाला रूम रेडी नहीं है। काफ़ी गप्पे मारी उससे, बताया व्लॉगर हूँ जो एक जिसने एक साल से व्लॉगिंग नहीं की है बट वापस शुरू कर रहा हूँ। तो उसने बोला अगर आपको रूम अच्छा नहीं लगा आप नीचे आ जाना, और मैं फिर कोशिश करूँगा आपको हाई मतलब थोड़े और ऊपर रूम दे दूँगा, अच्छा रूम। बट आई थिंक दिस इज़ फाइन, हमने रात को आके सोना ही है, सो वी आर गुड विद दिस रूम। और होटल भी अच्छा है यार, वाइब काफ़ी अच्छी है, क्राउड भी अच्छा ही लग रहा है। दारू लेनी है, दारू लानी भूल गए, दारू भी लेनी है भाई। दारू के लिए फिर अपना एक बैग ले लेता हूँ, बैग पैक उसमें रख लेंगे। वीडियो बनानी है, कुछ करना है भाई, इतने दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहा है तेरा भाई, कुछ तो करेंगे ना। सारे कैसीनो चलते हैं आज एक एक करके, बैक टू सब में दो हार्ड रॉक जाएंगे, हार्ड रॉक का भी सब में दस दस लाख दस दस रुपये। तो प्लान ये है भी हम जा रहे हैं बोट वॉक, बोट वॉक से क्रॉस करते करते अगर हार्ड रॉक जा पाए, ज़्यादा दूर नहीं हुआ तो हार्ड रॉक भी इसको दिखाना है। तो हार्ड रॉक गया है यहाँ वाले, तेरे पर $100 में ₹100 लगाऊंगा, ठीक है। और हार्ड रॉक कैफे चलते हैं, $1 मुझसे ले ले, बाकी तू लगा ले। ये एक एक के नोट कहाँ से आए हैं इतने तेरे पास, थप्पड़ मार पहले ये मत डाल यार। यहाँ का एक मजा है यूएस का, ये जो हवाएं है ना और नो पोल्यूशन कहीं नहीं मिल सकता है। हाँ वो अग्री, आई अग्री यार, एक ही रीजन है अगर मैं कभी मूव किया तो। प्यारा है यार, होटल भी अच्छा लग रहा है, होटल बहुत प्यारा है भाई, ये देख पूरा ग्लास। ओए बच गया, गिरता भी तू गिरता, ठीक है कैमरा पकड़ ले। यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ कैसीनो आए हैं क्योंकि हम यहाँ से ओशन व्यू देखेंगे। बहुत तेज हवा चल रही है यार, बालों की माँ बहन हो गई है, और बट मज़ा बड़ा आ रहा है, बहुत अच्छा वेदर है, ना ठंड है ना गर्मी है, थोड़ी थोड़ी सी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। बारिश आ गई है इसलिए हमें कैमरा रखना पड़ेगा बोर्ड वॉक में, आपको पहले ही एक अटलांटिक सिटी के वीडियो में दिखा चुका हूँ। सो अभी हम जा रहे हैं अंदर और फिर जाएंगे हार्ड रॉक होटल, वो भी आप लोग देख चुके हो, ये होटल ही दिखाऊंगा बाद में, और अभी भागते हैं। तो यार खा पी के आ गए हैं वापस रूम में, भाई साहब लेटे हुए हैं, थोड़ा सा ब्लैक जैक खेले, बड़ा मज़ा आया $10-25 का, और अच्छा तो सीन ये है, झूठ बोलते शर्म भी आती तेरे को, क्या करना है $10-25 का बकवास। और अब क्या करना था यार, भुला दिया क्या, बोल $2000 हारने का दिए बोल रहे तू। कोई ऐसे मजाक कर रहा है यार। सुबह हमें निकलना है 5 बजे क्योंकि इसको 7 बजे मेरा एक फ्रेंड है जसप्रीत, बहुत खास दोस्त है मेरा यहाँ पे, वो जा रहा है न्यूयॉर्क और इसको न्यूयॉर्क जाना है और मुझे ऑफिस जाना है, तो हमको 5 बजे निकलना है। तो अब सोच रहे हैं 5-10 मिनट का रेस्ट करके नीचे जाके वापस थोड़ा खेलेंगे कुछ। हाँ हाँ मैं तो खेलूँगा भाई, ये खेलेगा पूरी रात, और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रेस्ट कर लूँ यार। और आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, थोड़ा सपोर्ट करो यार, दोबारा शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा शेयर वेयर करो, और मिलते हैं जल्दी,
बाय 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 कुछ भी यार